तो दोस्तों आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं अपने इस मोबाइल होल्डर का। जी दोस्तों, ये हमारा हेलमेट में मोबाइल होल्ड करने के लिए इसको मैंने मंगाया है और मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं दूसरे चैनल पर भी वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं राइडिंग करते हुए दिखाता हूँ, जो कि आपका टोटल ईवी के नाम से है। तो मैंने बेसिकली उसके लिए मंगाया है कि जब मैं गाड़ी चलाते हुए वीडियो बनाता हूँ तो काफ़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया, जो कि हमारा हेलमेट में ये चिंग में आगे माउंट हो जाता है। तो ये बेसिकली मोबाइल होल्डर है। इसको मैंने परचेस किया है फ्लिपकार्ट से। अगर प्राइस की बात करें तो ये आपका 299 में मुझे पड़ा है। तो चलिए देखते हैं क्या ये 299 के हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी होने वाला है या फिर नहीं। यदि आप भी लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए फटाफट से उसको करते हैं अनबॉक्स। और इससे पहले मैंने एक और मंगाया था जो कि आपका चेस्ट मोबाइल होल्डर था, उसको मैंने रिव्यू के लिए मंगाया था और मुझे उसका यूज़ भी करना था, लेकिन फर्स्ट टाइम मंगाया तो उसमें काफ़ी दिक्कत आ गई, तो मैंने उसको रिप्लेस किया था। फिर दूसरा मंगाया तो उसमें भी दिक्कत थी, तो फिर मेरा मन नहीं किया उसका रिव्यू करने का, तो मैंने उसको छोड़ दिया है। लेकिन अभी जब मैंने इसको ऑर्डर किया है तो ये जो था मेरा पहले वाला जो आपका चेस्ट पे लगने वाला है, तो इसमें मैंने कुछ जुगाड़ करके इसको बना तो लिया है, लेकिन मैंने इसको भी ऑर्डर कर लिया था तो उसको मैंने कैंसिल नहीं किया है। बेसिकली क्या था, इसमें ये दिक्कत आ रही थी जब हम मोबाइल को होल्ड करते हैं तो ये आपका आगे की ओर पुश हो जाता था, यानी कि इसका जो स्क्रू है वह लूज था, जिसकी वजह से मोबाइल का वेट ये उठा नहीं पा रहा था और ये आगे की ओर बैंड हो जा रहा था। तो मैंने इसमें कुछ कागज़ वगैरह लगा करके इसको हार्ड कर दिया है, तो अभी ये थोड़ा सा वर्क कर रहा है। मैंने अभी इसको बाहर यूज़ नहीं किया है, बहुत जल्द इसका भी यूज़ करने वाला हूँ। फिलहाल अभी हम ये वाला अपना देखने वाले हैं मोबाइल होल्डर, ये कैसे कितना काम करता है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे मोबाइल होल्डर मिल जाता है, जैसे कि आपका चेस्ट होल्डर में भी था, और दूसरा आपका ये मिल जाता है जो कि आपका हेलमेट में ये लगने वाला है। अगर इसकी बात करें तो ये आपका रबर है, तो यहाँ पर ग्रिपिंग के लिए दी गई है जिससे कि पकड़ जो है इसकी मजबूत बनी रहे। और दूसरी आपको एक क्लिप यहाँ दी गई है, अभी कहाँ लगेगी अभी देखते हैं। मैं ये फर्स्ट टाइम इस होल्डर को यूज़ कर रहा हूँ, उससे पहले मैंने कोई भी मोबाइल होल्डर यूज़ नहीं किया है, आपका हेलमेट हो या फिर चेस्ट वाला हो, तो ये भी दोनों फर्स्ट टाइम ही है। और ये आपका एक स्क्रू है, तो चलिए इसको जल्दी से हम असेंबल कर लेते हैं और देखते हैं ये कैसे फिट होता है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर इसको लगाना पड़ेगा आई थिंक, तो ये ऐसे फिट करना है और दूसरा हमारा ऐसे लग जाएगा। तो पहले हम इसको टाइट कर लेते हैं, तो हमारा ये वाला तो पोर्शन टाइट हो गया है। अब अपने मोबाइल को लगाते हैं। मोबाइल के लिए इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरफ से अपने मोबाइल को लगा पाएंगे, तो मैं लैंडस्केप में जनरली यूज़ करता हूँ, तो मैं इसको लगा लेता हूँ। तो ये हमारा टाइट हो गया है, लेकिन अगर टाइटनेस की बात करें तो टाइट मुझे हल्का सा ये लूज लग रहा है। अच्छा, ये आपको यहाँ से इसको पकड़ करके फिर इसको रोटेट करना है जिससे ये हार्डली टाइट हो जाए। तो अभी हमारा ये मोबाइल होल्डर पूरा टाइट हो चुका है और अब हमको लगाना होगा अपने इस हेलमेट में, तो आपको दिखा देते हैं। तो ये हेलमेट है स्टड्स का और आपको यहाँ पर इसको लगाना होगा। तो चलिए हम लोग ये भी लगा के देखते हैं कैसे ये लगता है। तो इसको ऐसे बांधना है और दूसरा जो सिरा है उसको हमको ऊपर की ओर लेके आना है और यहाँ पर इसको कायदे से टाइट कर देना है इस क्लिप की सहायता से। इसको लगाने के लिए आपको इसको ऊपर की ओर पुश करना है और जो इसका ये क्लिप है इसको अंदर डाल करके ऐसे टाइट कर देना है और इसको लॉक कर देना है। तो एक तरफ का तो लॉक हो गया है, दूसरी तरफ भी आपको ऐसे ही इसमें टाइट कर लेना है। तो हमारा ये टाइट हो गया है और ये काफ़ी मजबूत हो गया। थोड़ा सा डर लग रहा है कि ये हल्का से कहीं निकल ना आए, वैसे तो ये काफ़ी अच्छे से टाइट हो गया है। तो चलिए हम एक बार पहन के भी दिखाते हैं कि पहनने भी ये कैसा लगता है। तो चलिए मैंने इसको फिट कर लिया है और अगर बात करें मजबूती की तो मुझे तो लग तो रहा है मजबूत हो गया है इसको, और आपको टाइट करके और लगाना पड़ेगा। मुझे अभी आइडिया नहीं है कि ये कितना कैसे टाइट होगा, तो एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ।
तो ये हमारा लग गया है, अब हमको अपना हेलमेट पहनना है। कुछ इस प्रकार से इसका लुक आ रहा है। अब मोबाइल भी अपना लगा के देख लेते हैं। तो मोबाइल तो काफ़ी कायदे से टाइट हो गया है, और लेकिन हमारा जो हेलमेट है थोड़ा लूज़ है, तो उसकी वजह से ये आपका नीचे बैंड हुआ जा रहा है। तो मुझे इसके लिए पूरा फिट अपने जो हेड है उसके साइज़ का हेलमेट लेना पड़ेगा, जिसमें हमारा हेलमेट जो है वह टाइट होकर के फता रहे। ये दरअसल ये मेरे पास हाफ कट वाला हेलमेट है, और ये मेरा बड़े भाई का है, तो मैं उनका यूज़ कर रहा हूँ। देखने के लिए मुझे अपना दूसरा हेलमेट लेना पड़ेगा जो कि हमारे सर के साइज़ का हो, तभी ये हमारे मोबाइल का जो वेट है वह उठा पाएगा। तो कुछ इतना ऐसा लुक का लुक आ जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो मोबाइल तो काफ़ी हार्डली टाइट हो गया है, लेकिन थोड़ा बहुत तो रिस्क रहता ही है यदि आप ऐसे लगा कर मोबाइल चलाते हैं। तो चलिए इसको हमको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे मोबाइल हमारे खोपड़ी में बहुत लूज़ पड़ रहा है। तो मुझे दूसरा ही हेलमेट खरीदना पड़ेगा इसको लगाने के लिए। तो कुछ इस प्रकार का लुक आ जाता है। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो अभी के हिसाब से मुझे काफ़ी सही लग रही है, लेकिन मैं जब इसको यूज़ करूँगा तब इसका एक्चुअल रिजल्ट बता पाऊँगा कि एक्चुअल में ये कैसा है, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो अभी के हिसाब से तो मुझे ये लग रहा है कि ये मेरा काफ़ी अच्छे से वर्क करने वाला है, तो उसके लिए तो मुझे लग रहा है कि ये आपको खरीदना चाहिए। और मैंने इसको ऐसे ही परचेस नहीं किया, मैंने इस जो भी आइटम खरीदता हूँ फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे, तो पहले मैं उसका चेक कर लेता हूँ आपका रेटिंग, जो कि आपका 4+ रेटिंग होती है, मैं उसी प्रोडक्ट को मंगाता हूँ। तो इसकी भी 4+ रेटिंग थी, जो कि मुझे 299 पड़ी थी। वैसे तो आपका 150, 170, 200 के आसपास भी मिल जाता है, लेकिन जो मेरी 299 पे इसकी 4+ रेटिंग थी, तो मैंने इसीलिए इसको ऑर्डर किया था, क्योंकि हमारा मोबाइल पहले सेफ्टी है। तो 2-4, 50 पे बचाने चक्कर में मैं अपना 20-25 हज़ार का मोबाइल का नुकसान नहीं कर सकता, इसलिए मैंने रेटिंग देख करके थोड़ा सा महंगा मंगाया है। यदि आप भी चाहते हैं इसको परचेस करना, तो मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अभी मैं इसका जो कुछ सैंपल है स्टोर करूँगा, तब डाल दूंगा अगर इसमें मौका मिला तो, नहीं तो मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, या फिर आप हमारे दूसरे चैनल टोटल ईवी पर जा करके इसकी जो वीडियो है वह देख पाएंगे। तो चलिए इसको उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। यदि अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपकी ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं खत्म, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तक लिए जय हिंद।